हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और जल्दी से बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं फूल गोभी, और अगर आप मेरे तरीक़े से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं फूल गोभी। सबसे पहले हम गोभी को काट कर उसे नमक वाले पानी में भिगो देंगे। ऐसा करने से ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है और वाइट भी हो जाती है। अब हम इसमें दो टमाटर डालेंगे। हम रेसिपी बनाते बनाते ही सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताते जाएंगे। एक आधी प्याज लेंगे हम और दो टमाटर, इन्हें हम चॉप कर लेंगे। अब हम भगोने में तेल डालेंगे 5 टेबलस्पून। अब हम इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। जैसे ही राई कड़कड़ाने लगे तब डालिएगा। अब हम प्याज को थोड़ी ब्राउन होने देंगे। हम इसमें अब हरी मिर्ची भी थोड़ी सी काट कर डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची काफ़ी है। अब हम इसे हिलाएंगे। अब हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे। अब हम प्याज को थोड़ी गोल्डन होने तक तलेंगे, और अब उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हिलाएंगे। से धीमी आँच ही रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। हमेशा बघार लगाते वक्त आँच धीमी ही रखिएगा। अब इसमें आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे हम। अगर आपको कम लगे तो आप कम मिर्ची डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालिएगा और इसमें 1 फुल चम्मच धनिया पाउडर डालिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। अब हम इसमें हमारे बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए ढाप के रख देंगे, ताकि भाप में हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें हमारी कटी हुई फूलगोभी डालेंगे। फूल गोभी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कियर करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे इसे।
इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ कप। अब हम इसे ढाप के 5 से 8 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये देखिए 8 मिनट के बाद धीमी आंच पे हमारी गोभी इतनी अच्छे से पक चुकी है और तेल भी छूट चुका है इसका, और बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने इस पे हरा धनिया डाला है, ये देखिए हमारी गोभी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढाप के रखेंगे धीमी आंच पर। ये देखिए हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है, आप इसे खाइए, रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अब हम इसे सर्व करेंगे। व्यूअर्स आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके हमें बताइए कि ये कैसी बनी है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी होती है। हमारी गोभी तैयार है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।